नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आजकल हम सब की जिंदगी YouTube और सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गई है। YouTube पर काफी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो इंफॉर्मेटिव और अच्छे होते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें भी हमें मिलती हैं जिसे धर्म या जाति से जोड़ दिया जाता है और काफी ट्रोल भी होता है। ठीक उसी तरह वन ऑफ द फेमस यूट्यूब चैनल राउंड टू हेल के खिलाफ काफी बड़ा एक्शन लिया गया है। इस चैनल पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट और भगवान कृष्ण की प्रेमिका श्री राधा रानी का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में बीजेपी की एक नेता संजय यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक क्लिप शेयर की, जिसमें राउंड टू हेल के एक्टर एक स्कूल का सीन दिखाते हैं जिसमें कि जियान नाजिम और वसीम शामिल हैं। इस सीन में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और उनसे एक सवाल करता है, राधा इज डूइंग अ गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। इसके बाद जो स्टूडेंट्स का जवाब आता है उसी पर सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अपने ट्विटर पर संजय यादव ने यह बताया है कि इस वीडियो में श्री राधा रानी का नाम लेकर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को भी टैग किया है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लेने का आदेश भी दे दिया है। इसी कार्यवाही के साथ राउंड टू हेल के सभी एक्टर्स के लिए काफी बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। पुलिस क्या सख्त कदम लेती है वह आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ऐसा आज तक में पहली बार हुआ है जब राउंड टू हेल के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।